हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को हैप्पी हरियाली तीज। आज तीज का त्यौहार है और अब हम जाएंगे तीज मनाने के लिए बाहर। चलिए आप लोग भी। ये गाइस, हम तैयार होके मैं और मम्मी जी और दोनों बच्चे जा रहे हैं झाड़ पूजने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरी का जो बेर का पेड़ होता है उसके कांटों में चने बोए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सज धज के हो गए हैं तैयार दोनों। मम्मी जी ने पहनी है पीली की साड़ी और मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भी खुश हो रहे हैं, जा रहे हैं कि मम्मा कहाँ जा रहे हैं, ये भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और हम तो मेरे को तो घर 6 साल हो गए ये पूजन करते हुए। हमारे गांव में तो सब लेडीज सज धज के जाती हैं तैयार होके। वहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक होती है, बोलते हैं, और यहाँ पे तो कोई था नहीं, मैं और मम्मी जी हैं तो हम दोनों ही जा रहे हैं। बाकी यहाँ का अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे सब फास्ट करते हैं आज के दिन, और हमारे यहाँ फास्ट नहीं करते, बस ये जाते हैं बेर के पेड़ में चने लगा के घर आ जाएंगे। सज धज लेती हैं लेडीज, मेहंदी लगाते हैं, तैयार होती हैं, और उसके बाद आके कुछ नया नया पकवान बनाती हैं अच्छा अच्छा तो यही होता है हमारे तो सिर्फ। और ये आ गए हम यहाँ पे, देखा है ये पेड़, बेर का पेड़ उधर अंदर है जा पत्थरों के ऊपर। तो अभी यहाँ पे हम पूजन करेंगे। ये मम्मी जी गई हैं, ये मम्मी जी यहाँ पे पूजन कर रही हैं। ये चने इसके कांटों में लगा देंगी, और तन भी वीडियो बना रही है, तो इससे जैसी बनी वैसी बना रही है। ये रोड की भी ले ली इसने और साइड की भी ले ली। लड्डू मेरी गोदी में, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रोने लग गया था तो मैंने इसको गोदी ले लिया। मम्मी जी ने यहाँ पे पूजन कर लिया है, अब हम वापस जाएंगे अपने घर। ये मम्मी जी अब चने देंगी, जो ये चने लेके आए हैं भीगे हुए चने, ये अब तन्वी को देंगे, फिर लड्डू को, और हम भी खा लेंगे। तो ये लड्डू खा रहा है यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं घर। और गाइस, साड़ी मैंने पहनी है बहुत दिनों बाद, आज के दिन तो साड़ी और यही हमारे। मम्मी जी की फ्रेंड मिल गई थी तो मम्मी जी तो उनसे बातें करने लग गई, और बच्चे भी उन्हीं के साथ में तो मैं जा रही हूँ आगे अपने घर पे कुछ काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे तैयारियाँ भी करनी है शाम के खाने के लिए। और पहले तो मैंने ली 2-4 फ़ोटो, क्योंकि आज तैयार हुई हूँ, साड़ी पहनी है और तीज का त्यौहार है तो फ़ोटो तो बनती ही है। तो मैंने यहाँ पे लिए फ़ोटो, कुछ 1-2 पोज दिए हैं जो कि मुझे इतने अच्छे से नहीं आते हैं, बस नॉर्मल पोज दे के ही फ़ोटो ले ली। और फिर उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में बन रहा है हमारे खीर, केसर वाली खीर, और यहाँ पे ये जो चने भिगोए थे उसके लिए मैं बना रही हूँ बिरवा, हमारे चने के बिरवा बोलते हैं, और ये तीखे चटपटे से बनाऊँगी मैं, और आलू की सब्जी है बिना लहसुन प्याज की। और उसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़िया, आलू की सब्जी और पूड़िया। यहाँ पे पूरियों के लिए मैंने यहाँ पे अजवाइन आटा और नमक और ये रिफाइंड तेल डाल लिया मोइन के लिए। अब मैं आटा लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पकौड़ियों का घोल तैयार कर लिया बनाई मैंने यहाँ पे सबके लिए, सबने गर्मा गर्मी खा ली थी पकौड़ियाँ। उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे तो फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को क्लीन किया, और गैस की पट्टी भी बहुत ही ख़राब हो गई थी तो मैंने यहाँ पे सब क्लीन किया। कढ़ाई करते हैं तो चिकना हो ही जाता है पूरा किचन, तो उसको अच्छे से साफ़ किया मैंने किचन को, और बर्तन वर्तन सब क्लीन करके हो गया अब मेरा किचन चकाचक। और नाइट का टाइम है, सारा काम फिनिश कर ही लिया मैंने, यहाँ पे दूध ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।